नमस्कार सभी को, मेरा नाम श्रेय उमर है और मैं देहरादून से आया हूँ। टीआरडी का ये पहला इवेंट है मेरे लिए। जो पहली चीज मैं पेशकश करने जा रहा हूँ वो एक कविता है जो फौजियों के लिए लिखी गई है, ये सोच के कि वो युद्ध के दौरान क्या सोचते होंगे या क्या चलता होगा, ये सोच के लिखी है। क्योंकि महसूस मैं नहीं कर सकता, बस सोच ही सकता हूँ कि काया से फिसलती रूह लिए, काया शरीर रूह आत्मा, काया से फिसलती रूह लिए जब फौजी शत्रु से लड़ता है, कभी सोचा है दौरान युद्ध मन में उसके क्या चलता है। जिस प्रकार दुविधा के समय मन के दो व्यक्तित्व हो जाते हैं, तुम पूछो क्या करना है अभी, वो दो अलग राह बताते हैं। उस प्रकार मन फौजी का भी दुविधा में पड़ता होगा, उस प्रकार मन फौजी का भी दुविधा में पड़ता होगा, बाहर का युद्ध तो अलग रहा, वो अंदर भी लड़ता होगा, वो अंदर भी लड़ता होगा। क्योंकि कि चूक हुई किंचित भी अगर तो मृत्यु दस्तक देती है, कि चूक हुई किंचित भी अगर तो मृत्यु दस्तक देती है, कोई खेल नहीं कि अंक कटे, वो सीधा मस्तक लेती है। एक बार को अगर फौजी सोचे कि चलो, उसका मन विचलित हो और वो सोचे कि ये जंग तो मेरी जंग नहीं, क्यों व्यर्थ जान मैं देता हूँ, कोई देख बड़ा सा पत्थर मैं पीछे उसके छिप लेता हूँ। अगर वो ऐसा सोचा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सोचा तो उसका अंतर्मन तुरंत जाग जाएगा और उसे बोलेगा कि मौका है अमरता पाने का, तू पीछे हटे कोई अर्थ नहीं, जो जान देश के नाम हुई वो जान कभी भी व्यर्थ नहीं हुई। मारे जो गए भाई थे तेरे, उनका हिसाब अभी बाकी है। कुछ पन्ने लिखे शत्रु रख से, पूरी किताब अभी बाकी है। मारे जो गए भाई थे तेरे, उनका हिसाब अभी बाकी है। कुछ पन्ने लिखे शत्रु रख से, पूरी किताब अभी बाकी है। हर लहरे तिरंगा हर चोटी पर, वीरों का ख्वाब अभी बाकी है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत, वो इंकलाब अभी बाकी है। कि दुश्मन के झेल प्रहारों को लड़ देह में जब तक रक्त बहे, यमराज प्राण मांगे तू टाल। कि दुश्मन के झेल प्रहारों को लड़ देह में जब तक रक्त बहे, यमराज प्राण मांगे तू टाल, जब तक मृत्यु में वक्त रहे। कि कल का सूरज वो देख सके, ऐसी उसकी कोई चाह नहीं, उल्टे पैरों जो चलना पड़े, ऐसी कोई उसकी राह नहीं। कितने वादे टूटेंगे अभी, जो वादे उसने अपनों से किए थे कि वापस आऊंगा, कितने वादे टूटेंगे अभी जब प्राण वो अपने त्यागेगा, फिर भी जीने का मोह लिए ना पीठ दिखा वो भागेगा। जन्मे जिसकी भी कोख से, वो तो भारत माँ का बेटा है। करते करते रक्षा जिसकी, वो ओढ़ तिरंगा लेता है। करते करते रक्षा जिसकी, जो ओढ़ तिरंगा लेता है। एक और है, दो चार लाइन की लिखी है कि कुछ साथ छोड़ गए कब का तो किसी का महज साया बाकी था। किसी के कर्ज में थे डूबे, तो किसी का नमक जो था खाया बाकी था। घर भरते उड़ान हम भी तो कहीं दूर जा गिरते, कि सपनों के लिए जो ईंधन था जुटाया बाकी था। मगर सब छोड़ पीछे लग गए हम भी दिहाड़ी में, कि चुकाना अभी तो घर का किराया बाकी था। एक और लिखी है कि जरूरी नहीं कि हर मर्ज का इलाज दवा में हो, खासकर तब जब वो मर्ज आसपास की हवा में हो। इसीलिए कभी कभी वो हवा बदलना जरूरी है। तुम भागो उड़ो या गिरो, कभी कभी बस चलना जरूरी है। धन्यवाद।